हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और हम लोग आज अपना करंट अफेयर जो हम चालू कर रखे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 50 to 80, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। पर उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात जो हर बार हमने किया है तो अभी भी करेंगे। तो बेसिक बातों में सबसे पहले ये आता है कि जैसे कि कल भी कुछ लोगों का मैसेज आया या कॉल आता है कि अभी भी वही पैनिक का सिचुएशन है, प्रिपरेशन हो चुका है, बहुत सारी अलग अलग आप लोगों की तरफ से बातें आती हैं। तो देखो, सब चीज़ें क्या है, ये कॉमन है, इट इज़ गोइंग विथ एवरीवन। लास्ट 2 days आर लेफ्ट, अब अंतिम 2 दिन आ गया है, तो यहाँ से मेरा मैसेज होगा जस्ट काम डाउन, बी स्लो। अब यहाँ से आपको स्लो होने की ज़रूरत है, अब यहाँ से फास्ट मत हो। कुछ लोग यहाँ से फास्ट होने का प्रयास करेंगे, फास्ट होने का प्रयास मतलब एक दिन में इतना मैं पढ़ लूँ, आज मैं 14 से 15 घंटे 4 सब्जेक्ट को कर लूँ, नहीं ये सब मत करो। जो आपकी प्रिपरेशन होनी थी ना, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जो आपकी प्रिपरेशन होनी थी, थोड़ी सी बात करते हैं उस पर फिर चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जो आपका प्रिपरेशन होना था वो हो गया है, कब तक, लगभग आपका 25 जनवरी आप मान लो कि उस दिन तक जो आपने पढ़ा था। अगेन बार बार बोलूंगा 25th of Jan के आसपास तक आपने जितना पढ़ा था वही आपका प्रिपरेशन था, और एक्चुअल में उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था जब हम लोग बात करते PVTG के बारे में, तब मैंने वहाँ पर बार बार बोला PM प्रणाम। तो आपका PM प्रणाम है या PM जन्मन है, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए था। और मैं वेट कर रहा था इसी चीज़ का कि कोई होगा ऐसा जो मैसेज डालेगा, और YouTube में एक आदमी ने डाला कि PM जन्मन जो है वो PVTG के लिए है और PM प्रणाम जो है वो फर्टिलाइजर के लिए था। वो पिछले साल आया था, पिछले साल 3 इंपॉर्टेंट स्कीम आए थे, उसमें से एक मिशन लाइफ था और उसमें एक क्या था, PM प्रणाम, जो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है उसके लिए, और अभी जो आया है वो क्या है, PM जन्मन। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। तो ऐसी चीज़ें क्लिक कर रही है आपके दिमाग में, सिर्फ उस लेवल क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो एक वो चीज़ याद रखनी, खैर हुआ, हैविंग सेड दैट, मैं यही बोलूंगा कि देखो 25 जनवरी तक अगर आपने प्रिपेयर कर लिया था, आपने अच्छे से टेस्ट दिए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, आप जहाँ भी टेस्ट दे रहे थे, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड, एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड इन द टेस्ट, 25, 26, 28 जो भी आपका लास्ट टेस्ट हुआ होगा, अगर वहाँ पर आप 100, 120 मार्क्स या अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे थे, दैट मीन्स यू आर इन द गुड आपका प्रिपरेशन। तो आप उस पर बिलीव रखिए, कुछ नहीं हो जाएगा कि आपने 10 दिन नहीं पढ़ा और रिवाइज नहीं किया, तो आप पूरा रिवाइज करके जाओगे तब भी कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा, बट अल्टीमेटली क्या है कि पिछले 3 महीने के अंदर आपने चीज़ों को पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके STM में है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बहुत अच्छे से स्टोर्ड है। तो बिलीव योरसेल्फ, अपने प्रिपरेशन पे, अपने अच्छे फेथ पे आप अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजों को ध्यान रखना, STM और LTM का खेल है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अभी आप रात को देखे तो कल लिख लोगे, वो एक अलग चीज होता है, पर LTM ही एग्जाम निकाल कर देता है। आई रिपीटेडली सेड कि आपका LTM स्ट्रांग होना चाहिए, STM से ज्यादा कुछ नहीं होता। STM इज मोर ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी, जो आपने कल देखा आप जाके टिक कर लोगे, वो एक अलग है, वो एकदम नए बच्चे के लिए वो सेटिस्फेक्शन दे सकता है कि हाँ पेपर है, मेरे से 20 क्वेश्चन बन गए कल ही रात को देखा था। पर जो बचे हुए 80 क्वेश्चन है वो तो LTM से ही बनेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी से, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं हो सकता कि आपने कैसा पढ़ा था, कितने आपके एनालिसिस थे, कितने अच्छे से आपको पढ़ाया गया था या आप खुद पढ़ रहे थे, उससे बनता है, ठीक है। तो बिलीव योर LTM, 85 क्वेश्चन यू विल सॉल्व फ्रॉम द LTM एंड फ्रॉम द STM ओनली 15 क्वेश्चन। तो अगर ये आपका स्ट्रांग है, आपने पढ़ा है, तो शांत होने की ज़रूरत है, ठंडा दिमाग में होने की ज़रूरत है, अच्छे दिमाग में, कंपोजर माइंड में होने की ज़रूरत है, ठीक है, और उससे पेपर निकलता है। चलो खैर, उसको आगे देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान रखना। ओके, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है, फिर इंडिया के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सारूडी रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़ इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सारूडी जिसे हाल ही में समाचारों में था, वह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सारूडी है ये चाय की खेती के लिए, यहाँ पर क्या है आपका टी गार्डन, और छत्तीसगढ़ का टी गार्डन कहाँ पर है, जसपुर में है, तो ये सारूडी में टी गार्डन ने कहां पे, जसपुर पे। तो आंसर इसका क्या होगा, ये होगा, ये काफी समय तक न्यूज़ पे था, प्लीज ध्यान रखना, जो सारूडी है वो चाय का जो प्लांटेशन एरिया है जसपुर में, उसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वॉट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टेट फर्स्ट एथेनॉल प्लांट। ये क्वेश्चन कल मैंने दिया था, आज मैंने फिर से इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि कल के क्वेश्चन पे वहाँ पर जो आंसर थी उसको शायद मैंने 60 KLPD बोला था, आंसर उसका 60 नहीं होगा, 60 पहले था, अब उसको और बढ़ा दिया गया है, और अब बढ़कर वो हो चुका है 80 KLPD।
ठीक है ना। तो आंसर इसका होगा सी 80 KLPD, प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लेंगे आप सभी। इसका आंसर होगा 80 KLPD, प्लीज ये कल के ऊपर आज रेक्टिफिकेशन है तो प्लीज इसको ठीक कर लेंगे। आंसर होगा 80 KLPD, ठीक है। और इवन पिछकल वाले उसमें मैंने उसको नीचे लिख पे भी दिया है कि इसको आप प्लीज वहां पर रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अगले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण 2023 ये जो हुआ इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का क्या रैंक रहा है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का सॉरी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ गॉट द रैंक सेकंड, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला था जिसको सेकंड रैंक मिला है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सेकंड रैंक मिला है, और इसका आंसर होगा नारायणपुर। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, इसका आंसर होगा नारायणपुर। इंपॉर्टेंट सर्वे है, इस सर्वे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके थर्ड, और आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये भी होगा कि जल जीवन सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ओके थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सृजन मागर हु रिप्रेजेंट इंडिया एट यूएन कॉन्फ्रेंस इन दुबई, ठीक है ना। दुबई में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र की एक सम्मेलन हुई और वहां पर कौन गए थे, सृजन मागर, ठीक है। और सृजन मागर वहां पर जाकर, सृजन मागर ने वहां पर क्या किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक स्पीच दिया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर स्पीच दिया था। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है, तो आंसर होगा इनका धमतरी। तो सृजन मागर कहां से थे, धमतरी से थे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बनेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ मलखम प्लेयर ऑफ छत्तीसगढ़ इन खेलो इंडिया ट्राइबल फेस्टिवल 2023। देखो ये क्वेश्चन को तो मैं यहां पर आंसर बता रहा हूं, लेकिन खेलो इंडिया ट्राइबल फेस्टिवल 2023 को अच्छे से कर लेना, अपने करंट अफेयर्स में भी देख लेना एटलीस्ट कि छत्तीसगढ़ को कितने मेडल मिले, कौन सा रैंक रहा, ये भी देख लेना। पर हम लोग बात करते हैं कि मलखम खिलाड़ियों का क्या रैंक रहा इसमें, तो उस पे रहा है हमारे मलखम खिलाड़ियों का रैंक 4th, ठीक है, गलती मत करना, इसका आंसर होगा डी 4th। ओके इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन गिवन द प्रेसिडेंट लैंड अवार्ड 2023, छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रपति भूमि सम्मान 2023, राष्ट्रपति भूमि सम्मान 2023 लैंड अवार्ड, प्रेसिडेंट लैंड अवार्ड 2023 ये दिया गया है किस दो डिस्ट्रिक्ट को, तो छत्तीसगढ़ के दो डिस्ट्रिक्ट जिनको ये अवार्ड मिला है उसमें से एक है बेमेतरा और दूसरा है सरगुजा, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, बालोद, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, सुकमा, धमतरी एंड बिलासपुर, आंसर होगा बेमेतरा और सरगुजा, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है राष्ट्रपति अवार्ड मिलना, छोटी वाली बात नहीं होती, और प्रेसिडेंट अवार्ड अक्सर एग्जाम पे पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट अवार्ड को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन छत्तीसगढ़ हाउ मेनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर प्रोक्योर्ड ऑन सपोर्ट प्राइस, छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। देखिए सरकार ने घोषणा बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंचा दिया था, 75 तक, 67 के बाद बोला 72 लेंगे, फिर उसने बोला कि 75 तक लेंगे, पर जो एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो उठाया गया है, खरीदा गया है, वो केवल किया गया है किसको, 67 को। तो इसका आंसर क्या होगा, 67, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 67, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 67 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर क्या चल रहा है, प्रोक्योरमेंट चल रहा है। ओके नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ, हु इज द चेयरमैन ऑफ झीरम वैली इंक्वायरी कमीशन, झीरम घाटी जांच आयोग, झीरम घाटी में जो घटना हुई थी, ठीक है ना, किस साल हुई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे, और उस घटने में हुआ क्या था, ठीक है। ये एक नक्सली हिंसा था, ठीक है, तो ये इसमें कुछ लीडर्स मारे गए थे जिनकी, जिनको मार दिया गया था, ठीक है, जिस हत्या हुई थी उनकी, तो वही कांड के लिए क्या बनाया गया है, फिर से एक आयोग बनाई गई है, और इस आयोग को किसके अंतर्गत बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा सतीश अग्निहोत्री, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी सतीश अग्निहोत्री, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। ओके सतीश अग्निहोत्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर हैज द फर्स्ट रेंज पुलिस, रेंज साइबर पुलिस स्टेशन ऑफ स्टेट हैज बिन स्टार्टेड, प्रदेश का पहला रेंज साइबर थाना, ठीक है ना, रेंज साइबर थाना कहां पर शुरू किया गया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो रेंज साइबर पुलिस ये स्टार्ट किया गया है रायपुर में, ठीक है, तो ये होगा रायपुर में। इसके साथ साथ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ICCC के बारे में, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, तो प्लीज इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पुलिस के छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर है उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। जैसे रायपुर बिलासपुर में है ये, तो इसको छोड़े और कहां पर ICCC है उसको भी एक बार जरूर देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आपके आ जाए। ओके इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लोकली ब्रांडेड गोट ऑफ छत्तीसगढ़ी ब्रीड, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी नस्ल की स्थानीय ब्रांडेड बकरी, ठीक है ना, हमारी क्या हुई छत्तीसगढ़ी नस्ल की बकरी को कौन सा नाम दिया गया है, ठीक है ना, उसको हम किस नाम से जानेंगे जो छत्तीसगढ़ की लोकल नेटिव बकरियां हैं, गोट है उसको, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है, छेरी, छेरी बकरी के लिए एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, ठीक है, पर उसको नाम नहीं दिया गया, छेरी हम छत्तीसगढ़ी में बकरी को बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, अंजोरी, ठीक है, और आंसर इसका क्या होगा, अंजोरी, तो ये बकरी की जो ब्रीड है उसको बोलते हैं अंजोरी, उसके फिर कोसली और सरहुती दिया हुआ है, उससे आपको कुछ नहीं करना है, मेन इसका आंसर क्या होगा, अंजोरी, याद रखना जो बकरी की जो वेराइटी बनी है छत्तीसगढ़ में उसका नाम क्या है, अंजोरी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, Who from the Chhattisgarh was honored with His Excellence President Medal for meritorious services at the 77th Independence Day celebration? 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ से किसे सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है उनको प्रेसिडेंट मेडल, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने जो सर्विस किया डिपार्टमेंटल सर्विसेज उसके लिए उनको मिला हुआ है, और उस व्यक्ति का नाम है मदन लाल सिन्हा, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना किनको मिला है, मदन लाल सिन्हा जी को मिला है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नंबी फॉल लोकेटेड, नंबी जलप्रपात या नंबी झरना छत्तीसगढ़ के किस जिले पे, ये काफी समय तक अखबारों में था, ये एक्चुअल में 2 से 3 लेवल पे गिरता है और इसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर है, पर सरकार ने अभी उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है, तो अभी उसको सबसे ऊंचा मत मान लेना, पर ये है कहां पर, ये बीजापुर जिले पे है, इसको प्लीज ध्यान रखना कि नंबी, तो देखिए 3-4 जलप्रपात यहां पर बता रहा हूं जो काफी न्यूज में रहे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, बेसिक आपको पता होगा, नंबी को आप याद रखिए, उसके बाद चिंगरा पगार, ठीक है, चिंगरा पगार कहां पर है, ये है आपका गरियाबंद में, ठीक है, तो उसको एक ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा न्यूज पे रहा। इसके बाद आपका मकरभंज, ठीक है, एक है आपका मकरभंज, ये मकरभंज कहां पर है, ये मकरभंज है आपका जसपुर में, ठीक है, तो मकरभंज, चिंगरा पगार, ये सारे को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम के रिस्पेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, तो आई होप ये कर पाओगे आप लोग, बाकी तो जो बेसिक है तीरथगढ़, चित्रकूट, सात धारा, वो सब तो आप पढ़ ही रहे, ठीक है, पर ये जो क्या है कुछ नए वाटरफॉल जो अक्सर कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, इसके बाद नीति आयोग के चैंपियन ऑफ चेंज के रूप में, ठीक है ना, चैंपियन ऑफ चेंज के रूप में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस अक्षांशी जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? Which aspirational district of Chhattisgarh has secured the third position in Niti Aayog Champion of Change for Excellence work in the field of agriculture and water resource? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा एंड राजनांदगांव। तो पहले तो आपको ये इसमें से अगर ऑप्शंस में देखोगे तो आप ये भी सोचिए कि इसमें से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, कौन से नहीं है, आकांक्षी जिले कौन से हैं, कौन से नहीं है, ठीक है, अगर वो याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा, नहीं भी याद है फिर भी मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ, आंसर होगा इसमें राजनांदगांव, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, राजनांदगांव, प्लीज इसको ध्यान रखना अच्छे से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन द कंट्री इन फिश सीड प्रोडक्शन, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश के किस स्थान पर रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या दिया हुआ है, ये फोर्थ फिफ्थ, ठीक है ना, यहां पर पूछा गया सीड प्रोडक्शन, ठीक है ना, बीज उत्पादन, तो बीज उत्पादन पे छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो क्या है, पांचवा, ठीक है, पर इस क्वेश्चन को यहां पर खत्म नहीं करते, थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम में इस साल एक क्वेश्चन आप मछली उत्पादन से संबंधित पढ़ के जाइए, ठीक है, या तो वो आपसे एक्वा कल्चर पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है, पिस्की कल्चर क्या होता है पूछ सकता है, तो पिस्की कल्चर मतलब होता है मछली उत्पादन, एक्वा कल्चर क्या होता है, जलीय जीव का उत्पादन, एक्वेटिक एनिमल्स, फिर पूछ सकता है फिंगरलिंग, फिंगरलिंग मतलब ऑर्नामेंटल फिशरीज, जो बहुत रंगीन मछलियां होती हैं उनका उत्पादन करने को बुलाया जाता है फिंगरलिंग, फिर उसके बाद जाके वो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, नील क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया में कब याद हुआ, उसके संबंधित 2-4 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना, प्रश्न तो एक ही आएगा मतलब उससे संबंधित होता है, तो ब्लू रेवोल्यूशन के बाद आप अगला क्या चीज देखोगे, मत्स्य संपदा योजना, ये पांचों चीजों को देख लेना, मछली प्लीज मान के चलो कि इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया इस साल बहुत अच्छा किया और छत्तीसगढ़ राज्य ने भी अच्छा किया, ठीक है, तो ये पांच चीजों का देखेंगे। दूसरी बात छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो बीज उत्पादन, तो देखो मछली में दो चीज होता है, एक होता है सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन, और एक होता है मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन, ठीक है, तो मछली उत्पादन पे छत्तीसगढ़ 6वें रैंक पे है भारत में, 6वें में, और सीड प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो वो किस पे नंबर पे है, 5वें नंबर पे।
एक यहाँ पर मैं आपको वो पूछता हूँ कि इनलैंड फिशरीज, इनलैंड मतलब जो ऐसे राज्य जो कि किसी भी तट पे नहीं लगे हैं, उन राज्यों में छत्तीसगढ़ किस नंबर पे आता है इनलैंड पे, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसको ध्यान रखना है क्या वो रैंक वन पे है या रैंक टू पे या थ्री पे, इनलैंड फिशरीज में छत्तीसगढ़ किस में आता है, ठीक है, उसको आप लोगों को बताओगे तो इनलैंड फिशरीज में पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में टोटल जो वाटर एरिया है उसमें से कितने परसेंट एरिया को फिशरीज के लिए डेवलपमेंट कर चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे का सीधा डेटा है, उसको भी आप लोग वहाँ पर कोट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन का आंसर जिसको आता है वो लाइन्स उसको वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, आई वुड अप्रिशिएट दोस टाइप्स ऑफ आंसर, इससे क्या होगा आपका एनरिचमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अगर हम यहाँ से एक एफर्ट डाल रहे हैं, यहाँ से चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर थोड़ी भी अप्रिशिएशन आती है आप लोगों की तरफ से तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर पूरी एक टीम बैठी होती है जहाँ पर बच्चे नहीं हैं अभी फिलहाल और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, अभी यही वीडियो जब हम शूट कर रहे थे तो इसी वीडियो को थोड़ा देर पहले अगर हम देखते तो ये वीडियो दूसरी बार शूट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसमें क्या था वॉइस का इशू हो गया था, बट वहाँ पर एक छोटा बच्चा जो हमारे साथ काम कर रहा है वो इस चीज़ को करके देता है बार बार, तो उसको भी इस चीज़ का अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो यहाँ पर आके काम कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं और उनका एक बहुत हार्ड एफर्ट होता है, तो आई होप कि आप समझेंगे उनके लिए भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन, ये वो देखते हैं क्योंकि वही लोग देखते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है, तो वी वॉन्ट कि आप हमारे इस वर्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए और हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। सो अगेन मैं बोलूँगा आपको कि प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मछली उत्पादन से संबंधित प्लीज पढ़ के जाना इस साल, ये मेरी एक हार्ड फीलिंग है कि मछली से संबंधित एक प्रश्न आप एग्जाम पे शायद उस रीजन पे आ जाए। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द रिसेंट मीट प्रोग्राम, ठीक है, ये मीट प्रोग्राम एक्चुअल में वो क्या है आपका भेंट मुलाकात जो था, तो भेंट मुलाकात अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा क्योंकि भेंट करने वाले ही चले गए, ठीक है, लेकिन उनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा हुई थी जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा ये की गई कि कुश्ती अकेडमी, ठीक है ना, रसलिंग अकेडमी छत्तीसगढ़ में कहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है, तो रसलिंग एकेडमी छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले पे खोला जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि रसलिंग एकेडमी जो खोला जाएगा वो कहां पर खोला जाएगा, कोंडा गांव पे। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं, नील सागर और मेहुल साहू ये दो व्यक्ति थे, है ना, तो नील सागर एंड मेहुल साहू ऑफ छत्तीसगढ़ वोन गोल्ड इन द 37th नेशनल गेम्स, दे आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के नील सागर और मेहुल साहू ने गोल्ड जीता था, यह किस खेल से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखेंगे, आंसर इसका होगा गोल्फ, ठीक है, इसका आंसर होगा गोल्फ। तो दो व्यक्ति कौन कौन है, नील सागर एंड मेहुल साहू, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होगा आपका इंडिया के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ अपार आईडी इज, अपार आईडी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, सी, इसको थोड़ा अच्छे से करना है, सारे के सारे ऑप्शंस को देखना है, जो वर्ड्स बता रहा हूं इन वर्ड्स को ध्यान रख लो, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फुल फॉर्म पे ही ज्यादा करके आएगा, ठीक है। तो अपार का ए स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन शायद चेंज हो गया। ओके, तो यहां पर जो ए है, ए का मतलब है ऑटोमेटेड, पी का जो फुल फॉर्म है वो होगा परमानेंट, अगेन एक और ए है इसका याद रखना, एकेडमिक अकाउंट, यहां पर दो वर्ड है उसके लिए, एकेडमिक अकाउंट, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है ना, एकेडमिक के साथ एक अकाउंट रजिस्ट्री, तो प्लीज यहां ध्यान रखना कि अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस ऑफ द कंट्री फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में देश के किस कहां पे पहला नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, चंडीगढ़, नोएडा, विशाखापट्टनम और गांधीनगर, क्लियर है, तो इसका आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात, यहां पर सबसे पहला नैनो डीएपी का एक नया प्लांट लगाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि देखो एनपीपी के रिगार्डिंग इंडिया पे वैसे भी प्लांट्स कम है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट को कम करने के लिए इसको लगाया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज, इसमें बहुत सारे भारत के शहरों को लिस्ट आउट किया गया है, इस साल भी दो हुए हैं, इसके पहले भी बहुत सारे हुए हैं, तो इनमें से ये कौन सा नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है ना, नॉट पूछ रहा है, नहीं, ऑप्शन क्या क्या है, ग्वालियर, कोझिकोड, मुंबई और इंदौर, ठीक है, तो याद रखना कि इंदौर नहीं है,
ग्वालियर और कोझिकोड इसी साल बने हैं, मुंबई पहले से था, मुंबई को छोड़कर और कौन कौन से हैं, श्रीनगर है, ठीक है, इसमें आपका और क्या आएगा, श्रीनगर आएगा, श्रीनगर के बाद यहाँ पर क्या आएगा, चेन्नई, ठीक है, तो एक और क्या है आपका, चेन्नई, और चेन्नई के बाद हैदराबाद। तो इंडिया के ये सारे शहर जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर हैं और इंदौर इस पर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, इस साल क्या हुआ, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेफ्टी समिट हुई 2023, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर है, इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं थोड़ा सा देख कर जाना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पर चीजें पूछ रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखेंगे तो ये हुआ कहाँ पर था, यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम पे, ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, बी, बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर द रेसिपियंट ऑफ ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइस 2023 इज, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए इसको मैंने पिक किया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा बट फिर भी आ जाता है, स्पेसिफिकली तब जब ऐसा कोई अवार्ड किसी वुमेन को मिल जाए, ठीक है, तो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है, तो यहाँ ऑप्शन है आपका दामोदर, सेकेंड है सफर आजमी, थर्ड है नंदिनी दास, और फोर्थ है नीलोत्पल मृणाल, आंसर इसका होगा नंदिनी दास, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, नंदिनी दास जी को मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइस 2023। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ वुमेन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, ठीक है ना, महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन से देश रही, तो इसको जीता तो भारत ने, ये तो हम सभी को पता है, पर इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि भारत ने किसको विजय हराया था, तो जिसको पता होगा वो कमेंट करके बताएंगे कि क्या वो जापान है, क्या वो दक्षिण कोरिया है, कि वो चीन है, प्लीज इस चीज को आप बताएंगे, ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर क्या है पर भारत। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें, तो यहाँ पर पहले बात तो हमको सबसे पहले क्या वर्ड को मार्क करना होता है कि सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सही क्या है ये बताना है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं, स्टेटमेंट वन बोलता है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 मतलब 28.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला भारत आटा लॉन्च किया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द भारत आटा एट 28.50 रुपीस पर केजी, ठीक है ना, तो पर केजी 28.5 रुपए का नहीं है वो, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, वो 27.5 रुपए का है, ठीक है, तो पहले चीज तो यहां पर देखना, अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर आके सॉल्व करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यहां भी गलत है, और उपरोक्त सभी में वो है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सी, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जहां पर दो स्टेटमेंट या चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट बहुत टफ हो देगा, या एक स्टेटमेंट ऐसा देगा जो आपके नॉलेज का होगा, बाकी स्टेटमेंट आपके नॉलेज का नहीं होगा, आपको केवल उस स्टेटमेंट को पहचानना है कि क्या वो आपको सही से पता है, बाकी हो सकता है कि ये जो तीन स्टेटमेंट है इसमें से कुछ भी नॉलेज ना हो आपको, लेकिन आपको ये चीज तो पता ही होगा कि भारत आटा इतने रुपए का, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपका जो मेन बेसिक नॉलेज है अगर वो नॉलेज आपका क्लियर है, बाकी दो स्टेटमेंट देखते हैं, या नफार्ड तथा छत्तीसगढ़ के सभी फिजिकल एवं मोबाइल आउटलेट में बिक्री हेतु उपलब्ध होगा, इट विल बी अवेलेबल फॉर सेल इन फिजिकल एंड मोबाइल आउटलेट ऑफ नफार्ड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है ना, तो वो होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट विल बी अवेलेबल फॉर परचेस थ्रू होम डिलीवरीज मोबाइल बैंक एक्सेट्रा, या होम डिलीवरी मोबाइल बैंक इत्यादि के माध्यम से खरीदी हेतु उपलब्ध होगा, तो दोनों ही है, ठीक है, बट आपको सीधी सीधी बात इस क्वेश्चन का मेन फोकस कहाँ था, कि आपको उसका रेट पता है कि नहीं, कि एक किलो कितने का मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सीखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ब्लेटचली घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है, ब्लेटचली डिस्क्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है, तो फील्ड के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट हुआ यूनाइटेड किंगडम में उसमें एक घोषणा की गई और उसी घोषणा का नाम क्या है, ब्लेटचली डिक्लेरेशन, और आंसर इसका क्या होगा, बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको जो भी बोला जाए ये इसका आंसर होगा, प्लीज इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट, विच स्कार्स एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द सतलज रिवर, सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व मिला है या खनिज मिला है, तो मिला है क्या यहाँ पर, टेंटलम,
ठीक है, सतलज रिवर के पास क्या मिला है आपको, टेंटलम मिला है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टेंटलम जो मिला है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये मिला कहाँ पर है, तो राज्य पूछा जा सकता है, राज्य होगा पंजाब। ठीक है, इसके साथ साथ सतलज रिवर को पढ़ के चले जाना है इस सर, क्योंकि न्यूज़ में मेंशन था, तो हो सकता है सतलज रिवर या उसके ट्रिब्यूटरी पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए किस किस राज्यों से बहकर जाती है, तो सतलज में कौन सा बांध है, थोड़ा सा सतलज को भी देख लेना, क्योंकि जो न्यूज़ में रहते हैं ना वो अक्सर एग्जामिनर को हिट करते हैं कि ठीक है इसी के आसपास कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन, ठीक है ना। तो इस साल जो सीओपी हुआ, COP28 जलवायु से संबंधित होता है ये, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा ये यूएई में हुआ, ठीक है ना, और हुआ कहाँ था, एग्जैक्ट जगह पे, तो एक्सपो सिटी दुबई, दुबई के एक्सपो सिटी में हुआ, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये समिट हुआ था। ठीक है, तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इज वन बाय, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक दिया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हैं सभी के सब इस साल के नोबल प्राइज जीते हैं। प्लीज़ कुछ करो मत करो, नोबल प्राइज को जरूर पढ़ के जाना, पीएससी का एक हैबिट है कि वो नोबल प्राइज को अक्सर वो पूछता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स के लिए नोबल प्राइज किसे मिला इसे देखना है, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग एलिमिनेशन पे जाएंगे तो देखो, जॉन फॉसी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस साल के लिए, ये तो एकदम है ना, जॉन फॉसे, और उसके बाद नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको क्या मिला है, पीस प्राइज नोबल का, शांति से, ठीक है ना, तो शांति के लिए जिसको मिला वो कौन है, नरगिस, और नरगिस मोहम्मदी, तो ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि नरगिस मोहम्मदी इसमें है, इसमें, तो ये दोनों तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो अल्टीमेटली वन बच रहा है या डी होगा, पर इसके लिए आपको आंसर याद होना चाहिए। वैसे इसका आंसर तो क्या है, ए है, ठीक है, इसका आंसर ए है, प्रेरी अगस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल हुलियर, ठीक है ना, इन तीनों को मिला है क्या इस साल का फिजिक्स नोबेल, ठीक है। बट इसके साथ साथ आपको बाकियों को भी देखना है कि किसको कौन कौन से नोबेल प्राइज मिले। तो लिटरेचर के लिए किसको मिला है, जॉन फॉसे को मिला हुआ है लिटरेचर के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें शांति के लिए, पीस के लिए, तो किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है। और अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री के लिए किसको मिला है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आपको पहले से पता होगा। तो कौन कौन है, मोंगी डी बेवेंडी, ठीक है ना, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी, ठीक है ना, एलेक्सी, तो ये तीन लोगों को किसके लिए मिला है, केमिस्ट्री के लिए। तो प्लीज इस एक क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन है, प्लीज इससे ध्यान रखेंगे, नोबेल प्राइज के क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, वो बन जाएगा। ओके, अगला चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया, भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करती है, ठीक है, तो उस संस्था का नाम है नीति आयोग, उस संस्था का नाम है नीति आयोग, ठीक है, तो संस्था का नाम क्या है, नीति आयोग, क्लियर। तो नीति आयोग को प्लीज़, क्योंकि हमारी सरकार बदली है, तो नीति आयोग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से देख के जाना कि वो कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन कौन सा अभियान चला रहा है, जैसे पोषण है, ठीक है ना, जैसे कि क्या आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट है, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब है, अटल इनोवेशन लैब है, नीति लेक्चर्स हैं, तो ये इसके द्वारा, जैसे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये सब किसके हैं, ये सब नीति आयोग के, तो नीति आयोग के जो कार्य हैं उसको थोड़ा सा देख लेना, सरकार बदली है, नीति आयोग प्रश्न में आने की संभावना सबसे अधिक रखते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है, तो विचार करते हैं, पहले से बता दो इसका आंसर डी है, सारे कथन सही हैं, ये इसलिए दिया है बस आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और आप सीख सको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रश्न है। आवास छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जब चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद घोषणा भी की गई कि हम आवास देंगे, तो उसी से संबंधित है, चारों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, एक एक करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो क्या है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, ठीक है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर लो एंड मॉडरेट इनकम रेसिडेंट, ठीक है ना, तो किसके लिए ये, मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय के लोगों के लिए, पहला तो ये याद रखना, निम्न और मध्यम आय, और ये किस तरह का है स्कीम, ये है आपका क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, ठीक है ना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना,
कि आप जो लोन जैसे होता है तो उसी तरीके से क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पैसे को आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, और उस तरीके से ये स्कीम चलता है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके दो घटक हैं। सेकंड लाइन वही पूछता है कि इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। पहले घटक का नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन, और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, दो घटक है, पहला शहरी है और दूसरा कौन सा है, ग्रामीण। अब ये दो है ना, तो दोनों को अलग अलग मंत्रालय चलाते हैं। अर्बन को देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, अर्बन को, और ग्रामीण को देखता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर और उसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आवास और शहरी मामले का मंत्रालय देखता है और दूसरे को क्या देखता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर थर्ड स्टेटमेंट कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, मोदी जो गारंटी पत्र भी आया था, जो हमारा घोषणा पत्र था बीजेपी का वो, और जैसे ही पहली मीटिंग हुई, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही क्या किया गया था कि आवास के लिए निर्धारित आपका डिसीजन लिया गया था और कुल 18 लाख आवास बनाने की घोषणा हुई थी जिसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 18 लाख हाउसेज अंडर दिस स्कीम विल बी प्रोवाइडेड। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बोला गया कि 18 लाख आवास को लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद है अंडर दिस स्कीम द मनी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ 40:60 बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत टोटल लागत का ऐसा लिख सकते हैं, 60-40 भी लिख सकते हो, 40-60, पर याद रखना कि 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। तो स्टेट का 40% होगा, इसका 60 होगा। यहाँ पर मैंने 40:60 लिखा, पर देखो यहाँ पर भी सब चेंज किया है, स्टेट एंड सेंटर, सेंटर ने स्टेट ने लिखा है। तो 60:40 के रेशियो में ये दोनों इस पैसे को लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना, कर लेना। आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ यहाँ पर इसी के लिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष चालू किया गया था, ये आप बताओगे किस ईयर पे किस डेट पे, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर बता दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन सीओपी से संबंधित है। इस साल आपको पता है कि सीओपी हुआ, सीओपी जो है इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड ले चलता हूँ। देखो 1992 पे क्या हुआ था, अर्थ समिट, ठीक है ना, अर्थ समिट बोलते हैं इसको। ये हुआ था ब्राजील के शहर रियो में, या इसको रियो समिट भी बोला जाता है। इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में तीन इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए थे, जिसमें से एक था UNCCC, एक था UNCBD और एक था UNCCD, ठीक है। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। ये तीनों के लिए हुआ था। अभी जो जलवायु परिवर्तन का हुआ, इसके में क्या हुआ, हर साल फिर धीरे धीरे उसके ऊपर मीटिंग होने लगी। तो जितने भी सदस्य देश हैं उनको बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और वो हर साल मिलते हैं। तो इसी की जो 28वीं मीटिंग इस साल हुई वो कहाँ हुई थी, UAE में हुई थी। तो इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया था, उसमें एक बहुत प्रमुख निर्णय लिया गया, जिस निर्णय का नाम है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। उस निर्णय का नाम क्या है आपका, हानि और क्षति निधि, लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। तो इसको बनाया गया, पर इसकी घोषणा पिछले साल की गई थी, COP 27 में इसको लाया गया था, फिर 28 में इसको बना दिया गया है, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज फंड, अब इसमें जो पैसा आएगा उसमें ऐसे देश जो कि क्या है क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनको पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो अपने सिस्टम को, अपनी जगह को अच्छा कर पाए, तो उसके लिए पैसा आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, COP 28 लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव किया गया। दूसरा बोलता है द लॉस एंड डैमेज फंड वर फर्स्ट अनाउंस ड्यूरिंग COP 27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट, बोल रहे हैं कि हानि और क्षति निधि की घोषणा पहली बार शर्म अल शेख में COP 27 के अंतर्गत किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है द इनिशियल फंडिंग इज एस्टिमेटेड टू बी $475 मिलियन, कि जो शुरुआत में जो पैसा दिया जाएगा वो कितना होगा, $475 मिलियन होने की संभावना है, ठीक है। जिसके अंतर्गत यूएई ने बोला है कि वो कितना देगा, $100 मिलियन देगा, ठीक है ना। यूरोपीय संघ ने बोला है कि वो $275 मिलियन देगा, अमेरिका ने बोला है वो $17.5 मिलियन और $10 मिलियन का वादा किसने किया है, जापान ने, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ये सिखाने के लिए ही दिया था मैंने। आंसर इसका होगा डी, प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, वो पूछा जा सकता है एग्जाम पे। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ओके सॉरी, तो ये हमारे टोटल इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से करें,
एक और वीडियो मैं कल डालूंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करा दिए जाएंगे। ये मेन क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, जो मैंने 4 दिन पे मैंने आपको कहा था मैं कराऊंगा। मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाइए। इसके साथ साथ जो आपने रेगुलर पढ़ा है उसको पढ़ें, बिलीव करें खुद के ऊपर, एग्जाम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान मत होएं, शांत होएं। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एक दिन या दो दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पढ़े हो। क्या होता है लास्ट के दिनों में आप थक जाओगे, बहुत अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर लोगे, तो पेपर के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं होगा, सो नहीं रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। शांत चित रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ बी वेरी स्टेबल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अच्छे से रहे, ठीक है ना। कल का और परसों का 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, तो इन दोनों दिनों में किसी भी तरीके के नेगेटिव विचारों से खासकर बचने का प्रयास करेंगे। इस बातों के साथ मैं आज इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा, कल हम लोग लास्ट सीरीज़ करेंगे, सीरीज़ का लास्ट लेक्चर।